दोस्तों हाल ही हमारे एशिया और पैसिफिक ऐसे पूरे 15 देशों का एक क्या हुआ है, समिट, एक सम्मेलन क्या हुआ है, 2 दिन पहले ही संपन्न हुआ है। अब देखा जाए तो ये 37th एशिया पैसिफिक समिट था, जहाँ पे हर अलग अलग प्रकार के देशों का क्या होता है, व्यापार के रिलेटेड एक ऐसा डिस्कशन होता है, एक सम्मेलन होता है, जहाँ पर हर कोई देश अपने अर्थव्यवस्था पे सुधार करना चाहता है, अपना व्यापार बढ़ाना चाहता है। और देखिए दोस्तों, देखा जाए तो इस सम्मेलन में एक सबसे बड़ी एक हाईलाइट ये है कि RCEP, ये एक दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड डील मानी जाती है दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ी ट्रेड डील। मतलब RCEP ये एक्चुअली क्या है, तो देखिए दोस्तों, ये एक अलग अलग देशों की अलग अलग अर्थव्यवस्था पे लगाए हुए एक पार्टनरशिप बेस्ड डील होती है, जो इस सम्मेलन में क्या की जाती है, इसकी साइन किया जाती है, इस डील को अलग अलग देशों के साथ साइन किया जाता है। हालांकि देखा जाए तो इस डील में शामिल सभी 15 देशों या उससे ऊपर देशों की अगर GDP वो जो होती है वो 26 लाख करोड़ डॉलर, जी हाँ दोस्तों, 26 लाख करोड़ डॉलर, मतलब दुनिया भर की कुल न्यूनतम 30% ज्यादा है। मतलब जो भी इस डील में शामिल देशों की जो GDP होती है ना, उनसे ज्यादा, मतलब 30% ज्यादा होती है इस डील अगर हम साइन कर रहे हैं तो। हालांकि देखा जाए तो इस डील के अगर हम बात करते हैं इस सम्मेलन में, इस डील के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इस आज के टॉपिक का हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों। मेरा नाम है यूवी और आप देख रहे हैं इनसाइड द यूनिवर्सल बॉक्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। RCEP डील मतलब क्या है दोस्तों, देखा जाए तो ये RCEP जो डील है, जिसको दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड डील मानी जाती है, जो हमारे एशिया और पैसिफिक के 15 ऐसे देशों के साथ क्या की जाती है, साइन की जाती है। अब इस डील में बाकी देशों और हमारे देश को क्या फायदा है, देखिए दोस्तों, इस डील में देखा जाए मतलब RCEP ये एक सबसे बड़ी दुनिया की ट्रेड डील है, जहां पर देखा जाए तो सभी देशों का GDP 26 लाख करोड़ डॉलर, जी हाँ दोस्तों, 26 लाख करोड़ डॉलर, मतलब दुनिया भर की सभी देशों की 30% से भी ज्यादा GDP की ये संभावना होती है। जो भी दुनिया भर के सभी देश है उनकी GDP से ये 30% इस ट्रेड डील में ज्यादा मानी जाती है। अब ये RCEP ट्रेड डील क्या कहलाती है, क्या इसके फायदे हमारे देश को भी हो सकते हैं और बाकी देश को भी हो सकती है, देखिए दोस्तों, RCEP मतलब रीजनल कॉम्प्रेसिव इकोनॉमिकल पार्टनरशिप, ठीक है ना, मतलब अलग अलग रीजन के अलग अलग देशों को अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए अलग अलग देशों के साथ जो एक प्रॉपरली पार्टनरशिप करनी पड़ती है, उसे ही RCEP कहते हैं। मतलब एक ट्रेडिंग डील होती है, जहाँ पे अलग अलग देश अपना व्यापार बढ़ाने के हेतु क्या करती है, ट्रेड डील साइन की करते हैं। अब इसके अच्छे फायदे भी हैं और इसके अच्छे कहीं पे ना कहीं पे अलग देशों को नुकसान भी हो सकता है। तो देखिए, ये RCEP मतलब रीजनल कॉम्प्रेसिव इकोनॉमिकल पार्टनरशिप, ये हमारे देश में किस प्रकार काम कर सकता है, किस प्रकार इसका फायदा हमारे देश के लोगों को हो सकता है। रीजनल कॉम्प्रेसिव इकोनॉमिकल पार्टनरशिप दोस्तों, जी हाँ, RCEP एक ऐसी दुनिया की ट्रेड डील है, जहाँ पे सभी शामिल देश एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, मार्केट उपलब्ध करा के दे सकते हैं। मतलब देखिए दोस्तों, वो जो भी कुछ ना कुछ सामान इंपोर्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, अपने मार्केट शेयर क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, मतलब एक दूसरे को मार्केट उपलब्ध करा के दे सकते हैं। अब इस डील में जो भी एक साइन करेगा, जो भी देश है जिसमें शामिल है, वो सभी एक दूसरे को एक अच्छा मार्केट उपलब्ध करा के दे सकते हैं इस ट्रेड डील के माध्यम से, ठीक है ना। मतलब आज देखते हैं हम इस ट्रेड डील में अपने अपने देशों की इंपोर्ट ड्यूटी को घटाकर क्या कर सकते हैं, 2014 के स्तर पर ला सकते हैं। हालांकि सर्विस सेक्टर को खोलने के साथ ही सप्लाई और जो इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया है उसे वो सरल बना सकते हैं। मतलब सभी देशों की अगर देखा जाए क्या करेंगे इस ट्रेड डील के माध्यम से, वो अपना इम्पोर्ट ड्यूटी घटाकर क्या करेंगे, जो भी इन्वेस्टमेंट्स प्रक्रिया है और जो सप्लाई सेक्टर और सर्विस सेक्टर है उसको खोलने के साथ ही क्या करेंगे, उसके
लिए अलग से नियम और सरल पद्धति से वो बनाएंगे। अब देखा जाए तो इस ट्रेड डील में ये इतनी बड़ी ट्रेड डील है कि ये दुनिया भर के कम से कम 2 अरब लोग इस ट्रेड डील में क्या है शामिल है, मतलब दुनिया भर की कम से कम 30% आबादी इस ट्रेड डील में शामिल है। अब ये आसी रीजनल कॉम्प्रेसिव इकोनॉमिकल पार्टनरशिप इस ट्रेड डील में देखा जाए तो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए कुछ ना कुछ नियम बनाए हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए ट्रेड डील में एक सरल ऐसे नियम बनाए हैं। पर इसके बावजूद भी देखा जाए तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और ह्यूमन राइट्स हो गया और लेबर राइट्स हो गया, इसके लिए ऐसे कोई भी नियम का जिक्र नहीं किया गया। तो फ्रेंड्स, ये आरसीईपी के क्या फायदे हैं, ये किस किस देशों के लिए एक अच्छा साबित हो सकता है? अब हालांकि देखा जाए तो ये इस दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड डील में भारत ने अलिप्त रहने का फैसला किया है, मतलब इस डील में शामिल न होने का भारत का क्या है फैसला है। अब ये क्यों कि देखिए दोस्तों, हमारे देश में आत्मनिर्भर भारत अभियान चालू है, ठीक है ना, ये एक मेन मुद्दा है। पर इसके बावजूद भी अगर हम इस डील में शामिल होते हैं तो इसका फायदा बाहरी देश मतलब चाइना को इसका ज़्यादा फायदा होता है, ठीक है ना। मतलब चाइना क्या करेगा, उसका सबसे सस्ता सामान क्या करेगा, वो हमारे देश में क्या करेगा, इंपोर्ट करेगा, जिसका नुकसान, सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे भारत के उद्योगों को क्या होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, चीन अपना सस्ता माल यहाँ पे अगर ला के बेचता है तो इसे कम से कम क्या होता है, $50 अरब का क्या होता है, फायदा होता है। अब इस ट्रेड डील में हमारे भारत देश ने शामिल न होकर क्या किया है, अपने व्यापार को ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया है, प्रमोट किया है, वो भी आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से। अब हम इस डील में अगर शामिल होते हैं तो हमारे भारत के व्यापार को कम से कम $50 अरब का क्या होता, घाटा होता। तो ये बात है दोस्तों कि इस डील में भारत देश शामिल न होने का कारण क्या है, तो आत्मनिर्भर भारत एक कंसेप्ट हमारा जो अभियान है, क्योंकि हमारे देश में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो आज बिजनेस सेक्टर में उतर रहे हैं, अलग अलग सेक्टर में उतर कर हमारे देश को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, जिससे हमारे देश की इकोनॉमी और GDP लेवल धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है। इस डील में देखा जाए तो हमारे भारत का पक्ष को यहाँ पे शामिल न होने गए हैं। अब चीन से आया हुआ सस्ता माल रोकने को हमें जितनी दिक्कत आती थी तो वो दिक्कत आने बंद हो जाएंगी। अब हालांकि इसके बावजूद भी हमारे देश में जो दवाई बनाने वाली जो कंपनियां हैं ये इस डील के पक्ष में थी। अब ये क्यों, क्योंकि दवाई बनाने वाली कंपनियां अपना जो जेनेरिक मेडिसिन है वो वहां पे क्या कर सकती थी, इंपोर्ट कर सकती थी। पर इसके बावजूद भी हम जहां पर देखा जाए तो हमारे देश में ऐसे बहुत सारे बड़े कंपनियां हैं, चाहे वो स्टील हो, तांबा हो, एल्यूमिनियम हो, डेयरी हो, एग्रीकल्चर हो, केमिकल्स हो, ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रियां हैं, इनको क्या नुकसान उठाना पड़ सकता था इस डील के माध्यम से। तो ये अच्छी बात हुई कि हमारे देश, भारत देश इस डील में शामिल न होकर ये कहीं पे ना कहीं पे इस आत्मनिर्भर भारत के अभियान को एक अच्छा प्रोत्साहन दे रही है। इस डील के माध्यम से देखा जाए मतलब ये जो ट्रेड डील है इसके माध्यम से अगर हम देखते हैं तो हमारे इम्पोर्टेड सामान पर, जो भी इम्पोर्टेड सामान आने वाला है उस पर क्या होता था कि 80 से 90% इम्पोर्ट ड्यूटी घटानी पड़ सकती थी, ठीक है ना। अब इन्वेस्टमेंट सेक्टर और सेक्टर सर्विस में नियमों का क्या हो सकता था, अच्छा खासा नियम बनाने में आसानी हो सकती थी इन्वेस्टमेंट सेक्टर और जो सर्विस सेक्टर है इसके लिए। हालांकि इसके बावजूद भी हमारे भारत देश के जो भी कुछ उद्योग हैं उनको इसका सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता था। अब क्यों, अब इम्पोर्टेड सामान पर 80 से 90% इम्पोर्ट ड्यूटी हम घटा रहे हैं तो इससे क्या होगा, हमारे जैसे भारत देश में इम्पोर्टेड सामान की क्या आ सकती थी, बाढ़ आ सकती है, ठीक है। अब हालांकि चीन जैसे देशों से सबसे सस्ता सामान, इम्पोर्टेड सामान हमारे देश में ही आता है, तो इसके बावजूद 80 से 90% जो इम्पोर्ट ड्यूटी हम घटा रहे हैं इसका सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे देश के उद्योगों को हो सकता था और वो भी हो जाएगा अगर हम इस डील को अगर साइन करते थे तो। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि इस ट्रेड डील में मतलब रीजनल कॉम्प्रेसिव इकोनॉमिकल पार्टनरशिप में भारत ने हिस्सा तो नहीं लिया, पर बेसिकली
इस चीजों का एक अवसर जो हम बात कर सकते हैं कि इंडिया को एक भारत जैसे एक कंट्री को जो एक विशाल एक बाजार पेट भी कहलाती है, तो इस इंडिया को इस ट्रेड डील का फायदा तो नहीं मिल सकता, पर इसके बावजूद हमारे इंडिया में आत्मनिर्भर भारत इस कंसेप्ट के माध्यम से हमारे देश में क्या बढ़ सकता है, एक रोजगार बढ़ सकता है, एक उद्योग की लेवल एक बढ़ सकती है जहाँ पे हम खुद प्रोडक्शन कर सकते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट को उस हाई लेवल पर ला सकते हैं जिसके माध्यम से हमारे ही लोगों को एक अच्छा खासा रोजगार भी मिल सकता है, जिसके माध्यम से हमारे देश में जो कुछ भी एक प्रोडक्शन होगा जिसकी दौर है कि हमारे अर्थव्यवस्था में एक जीडीपी की ग्रोथ क्या करती जाएंगी, बढ़ोतरी करती जाएंगी। ये एक सच्ची बात है कि ये ट्रेड डील के ऊपर हम जब कुछ ना कुछ इस डील को साइन करते थे तो इसका एक कहीं ना कहीं का परिणाम हमारे अर्थव्यवस्था पे पर भी गिरने वाला था, क्योंकि हम क्योंकि देखिए यहाँ पे एक मेन फोकस है, मेन पॉइंट यही है कि इस डील के माध्यम से इंपोर्टेड चीजों को ज्यादा प्राधान्य दिया जाता है। अब इंपोर्टेड चीजों हमारे देश में अगर आने लगेंगी तो यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, काम करने वाले लोग हो, इसके ऊपर ज्यादा क्या करेंगे, प्रेशर बढ़ता चले जाएगा। मतलब ये हमारे खुद का व्यापार, हमारे खुद का घर का कारोबार, ये क्या हो जाएगा, टोटली नष्ट हो जाएगा, टोटली पूरा कम हो जाएगा, इसकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। और जैसा कि दोस्तों हम देखते हैं कि इस ट्रेड डील में भारत तो शामिल नहीं है, ठीक है, पर इस डील में भारत शामिल नहीं है, इसका हमें क्या नुकसान हो सकता है? देखिए फ्रेंड्स, इस डील में भारत जैसा देश शामिल नहीं है तो इसका एक नुकसान हमें ये हो सकता है कि ये ट्रेड डील में शामिल देशों के साथ हम जब कभी भी इन्वेस्टमेंट डील करेंगे तो हमें बहुत ही कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट डील करने में दिक्कतें आ सकती हैं। और उसके बावजूद भी हालांकि जब कभी भी हम देखते हैं कि हम इम्पोर्टेड सामान जो लाएंगे उस पर हमें ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, अब पैसा देना पड़ सकता है, ज्यादा से ज्यादा कीमतें इम्पोर्टेड सामान पर हमें चुकानी पड़ सकती है। ये बात इस डील के माध्यम से हो सकती है। अभी ये डील हम साइन नहीं करें, हमारे गवर्नमेंट ने इस डील को साइन नहीं किया है, तो इसको ये भी क्या हो सकता है, एक प्रकार का नुकसान हमें हो सकता है। फिर भी अगर देखते हैं हम इस डील में जो भी देश शामिल हैं उस देश के साथ हम इन्वेस्टमेंट डील भी करते हैं तो 1-2% भी कहीं पे ना कहीं पे हमें जो दिक्कतें आएंगी वो हम हमारे गवर्नमेंट हमें क्या कर सकते हैं, फेस कर सकते हैं। इसके बावजूद दिक्कत है तो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हो गए, सप्लाई चेन हो गए, राइट, तो इसको कहीं पे ना कहीं भी विकसित करने में हमें कहीं पे ना कहीं भी नुकसान तो होने वाला है दोस्तों। ये बात जरूरी है क्योंकि देखिए आज ग्लोबल ट्रेड हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गए, सप्लाई चेन हो गए, ये बहुत जरूरी है, आपसी देशों में संबंध बनना जरूरी है, व्यापार बढ़ाना भी जरूरी है, पर इसका फायदा हमें नहीं पहुंच सकता, ठीक है ना, क्योंकि हमने इस ट्रेड डील को साइन नहीं किया है। तो इसके बावजूद हमें जैसे ग्लोबल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, सप्लाई चेन, इन सभी चीजों में हमें क्या कर सकते हैं, नुकसान हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों आज RCEP रीजनल कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिकल पार्टनरशिप ये बाकी देशों के लिए एक अच्छी फायदेमंद है, पर हमारे जैसे देश में, हम भारत जैसे एक कंट्री में अगर देखते हैं तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि अगर हम आत्मनिर्भर भारत कंसेप्ट के माध्यम से अगर एक जबरदस्त खुद के ही देश में प्रोडक्शन करके खुद के ही देश में हम अपना व्यापार बढ़ाते हैं तो इसका फायदा हमारे देश में ही, हमारे देश के ही अर्थव्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा सुधार लाने का प्रयास हो सकता है। तो यही बात है दोस्तों, अगर आप RCEP इसके फायदे भी देखते हैं और नुकसान भी देखते हैं तो ये दोनों तरह की बातें हैं दोस्तों, क्योंकि देखिए हर चीज का एक फायदा और नुकसान तो होता है, चाहे आप व्यापार कर लो, चाहे आप कोई भी सेक्टर से काम कर लो, तो ये बात तय है। अब गवर्नमेंट हमारी इस चीज पर फोकस कर रही है कि हमारे देश के युवा, हमारे देश का उद्योग पर ज्यादा भर दिया जाए और ज्यादा उसका क्या करें, प्रोडक्शन करें, जिसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को एक अच्छी खासी इनकम जाए और अच्छा खासा रोजगार भी जा सकता है। तो यही है दोस्तों आज का टॉपिक, आपको कैसा लगा है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अगर इस चैनल पर भी नए हैं तो आप जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी बजा दीजिए, ठीक है ना। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले ऐसे टॉपिक के ऊपर, आपको ये टॉपिक हमें कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।
single day.